तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एपोसाइनम कैनबिनम के बारे में। तो फ्रॉम एलन की नोट्स मैं पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन जो है वो क्लियर कर दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एलन की नोट्स पढ़ने में, ठीक है। अगर आप बुक लेके नहीं भी बैठते तब भी पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बुक लेके बैठते तो मैं एलन की नोट्स के रीअरेंज वाले से पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी के पास छोटा बुक है जो रीअरेंज वाला नहीं रहता, ब्लू वाला बुक रहता है, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मैं लाइन बता रहा हूँ वो बस वहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, तो और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, ठीक है। तो इंडियन हेम्प, इसका जो कॉमन नेम है वो है इंडियन हेम्प, ठीक है। और इसका जो फैमिली है वो है एपोसाइनेसी, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल जनरल के बारे में, फिजिकल जनरल पे आते हैं। तो पहला पॉइंट है एक्सक्रीशंस डिमिनिस्ड स्पेशली यूरिन एंड स्वेट। तो यूरिन जो है वो क्या है, एक एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटा है, और स्वेट भी क्या है, एक्सक्रीशन है, ठीक है। स्वेट क्या है, स्किन जो होता है उसका एक्सक्रीशन क्या होता है, स्वेट, पसीना निकलता है, और पेशाब जो रहता है, पेशाब और पसीना बंद हो जाता है, एकदम बहुत ही कम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है और पानी भी वो पीता है, लेकिन पानी पीता है तब भी उसका जो पेशाब है और जो स्वेट है, जो पसीना, वो नहीं निकलता। इसके कारण क्या होता है, पानी उसका उसमें जमा हो जाता है और उसको ड्रॉपसी हो जाता है, मतलब उसको स्वेलिंग हो जाता है, पानी जो है जमा हो जाता है, ठीक है। तो एपोसाइनियम जो है वो बहुत अच्छा मेडिसिन है, सारा जहाँ पे भी स्वेलिंग हो रहा है पानी जमा होने के चलते, ठीक है, तो बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो सेकेंड पॉइंट है ड्रॉपसी ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, जितना भी सीरस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वहाँ पर ड्रॉपसी मतलब कि पानी का जमाव हो जाता है, पानी का एक्युमुलेशन हो जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाता है, ठीक है, सारे सीरस मेम्ब्रेन में, चाहे वो एक्यूट हो या फिर इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन हो गया वहाँ पे और पानी जमा हो गया, या फिर एक्यूट जो प्रॉब्लम होता है इन्फ्लेमेशन के कारण वहाँ पे पानी जमा हो गया, ड्रॉपसी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉपसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एपोसाइनम। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ड्रॉपसी विथ थ्रस्ट। जैसे मैंने बताया कि ड्रॉपसी है मतलब कि पानी जमा हो गया, प्यास लग रहा है इसको, तो क्या होगा, पानी ये पीते जाएगा, लेकिन इसका एक्सक्रीशन जो पेशाब हो रहा है वो नहीं होगा, स्वेट जो पसीना आ रहा है वो नहीं होगा। इसके कारण क्या होगा कि पानी जो है वो जम जाएगा इसके बॉडी में और फूल जाएगा, पानी का रिटेंशन हो जाएगा, जमा हो जाएगा पानी, और ड्रॉपसी हो जाएगा। ड्रॉपसी बोलते हैं एक्युमुलेशन ऑफ वाटर, ओके, कहीं पर भी वाटर एक्युमुलेशन हो जाता है। तो एसिटिक एसिड में भी सेम चीज़ होता है, उसमें भी प्यास रहता है। वाटर डिसएग्रीज और इज वोमिटेड, ठीक है, जब भी वो पानी पीता है तो क्या होता है, वो उल्टी हो जाता है उसको, या फिर जो उसका वाटर है वो बाहर नहीं निकलता, वाटर डिसएग्री हो जाता है, ठीक है, वो उल्टी हो जाएगा, या फिर वो पानी पीने के बाद भी जो भी यूरिन और स्वेट है वो नहीं निकलता, वाटर उसको डिसएग्री करता है। वाटर से जुड़ी समस्या का मेडिसिन एपोसाइनम में, यही मेन चीज़ है। मोस्ट केसेस अनकॉम्प्लिकेटेड विथ ऑर्गेनिक डिजीजेस, जो इंटरनल वाइटल ऑर्गेन में कोई अगर ऑर्गेनिक चेंजेस आ गया उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड केस के लिए होता है, ठीक है। ड्रॉपसी हो गया उसी के लिए होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन के चलते ड्रॉपसी हो रहा है उसके लिए नहीं है, बस वाटर का रिटेंशन हो जा रहा है, वही यहाँ पे बोल रहा है कि अनकॉम्प्लिकेटेड विथ ऑर्गेनिक डिजीज, कोई भी ऑर्गेनिक चेंज वाइटल ऑर्गेन जैसे लंग हो गया या फिर कहीं कुछ भी हो गया उस पर कोई चेंज नहीं आया है उसमें, बस ड्रॉपसी हो गया। आफ्टर टाइफस, टाइफॉइड, स्कारलेटिना, सिरोसिस, तो अगर लीवर का सिरोसिस हो गया, स्कारलेटिना हो गया, टाइफॉइड फीवर हो गया, टाइफस हो गया, ये सब के कारण क्या होता है कि ड्रॉपसी हो जा रहा है, उसको पानी बहुत प्यास लग रहा है और वो पानी निकल ही नहीं रहा है, यूरिन के फॉर्म में, पसीना के फॉर्म में नहीं निकल रहा है, उसको ड्रॉपसी हो जा रहा है, उसमें वाटर का रिटेंशन हो जा रहा है। ये सारे डिजीज़ में आफ्टर एब्यूज़ ऑफ क्विनिन, अगर क्विनिन एक ड्रग होता है उसका एब्यूज़ कर लेता है, अगर कोई ज़्यादा खा लेता है उसके कारण उसको थ्रस्ट लग रहा है, पानी पीने का मन कर रहा है, उसके कारण उसका वाटर रिटेंशन बढ़ गया है, ठीक है, उसका स्वेट नहीं निकल रहा है, उसका यूरिन नहीं निकल रहा है, ड्रॉपसी हो गया, क्विनिन का बैड इफेक्ट्स हो रहा है, ठीक है। अब हेड सिम्टम पे आते हैं, एक्यूट हाइड्रोसेफेलस, मतलब क्या होता है कि हेड में, माथा में जो स्कल होता है अंदर में पानी जमा हो जाता है, ठीक है, वाटर रिटेंशन कहाँ पे हो जा रहा है, स्कल में, हेड में, ठीक है। एक्यूट हाइड्रोसेफेलस विथ ओपन सूचर, जो सूचर होता है जो स्कल में हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रंटल सूचर हो गया, ये जो ऐसे ऐसे मार्क दो बोन्स के बीच में जो लाइनिंग रहता है, जिस जो जो जुड़ा रहता है सारा बोन्स, वो सूचर होता है, सूचर, ठीक है, गड्ढा जो होता है सूचर होता है, पता होगा आप लोग एनाटॉमी पढ़े होंगे, तो वो खुला खुला रहता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे पानी का जमा हो जाता है। स्टूपर साइट ऑफ वन आई लॉस, ठीक है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, पानी जमा रहेगा, क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, वो अनकॉन्शियस होगा, माथा में पानी जमा हुआ है, और एक आँख का जो वो देखने का क्षमता है वो भी वो लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है।
कॉन्स्टेंट एंड वॉलेंट्री मोशन ऑफ वन आर्म एंड वन लेग, ठीक है, एक आर्म, ठीक है, एक हाथ को या फिर एक लेग को वो क्या करता है कि हमेशा ऐसे 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 हिलाते रहता है, वॉलेंट्री मोशन, मतलब वो खुद से नहीं हिल रहा है, वो खुद हिला रहा है, ठीक है, लगातार हिला रहा है, ठीक है। और अगर लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग, अगर वो लेफ्ट वाले आर्म और लेफ्ट वाले लेग को करेगा तो स्पेशली मेडिसिन ब्रानिया हो जाता है, ठीक है। अब है फोरहेड प्रोजेक्टेड, तो फोरहेड प्रोजेक्टेड क्यों हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोसेफेलस से वो फूल जाएगा हेड वाटर का स्वेलिंग के चलते, तो फोरहेड भी बड़ा होगा, पूरा का पूरा हेड जो है वो बड़ा दिखेगा, तो फोरहेड जो है वो प्रोजेक्टेड दिखेगा, निकला हुआ दिखेगा आगे का जो माथा है, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं, तो एमोनोरिया इन यंग गर्ल्स, ठीक है, तो यंग गर्ल जो होता है उनका मेंसेस बंद हो जाता है, ठीक है। अब मेंसेस बंद होने के कारण क्या होता है, मेंसेस बंद हो गया, ठीक है, फ्लूइड नहीं निकल रहा है, उसमें ब्लड नहीं निकल रहा है, तो वो क्या होगा, जमा हो जाएगा विद ब्लोटिंग, पेट फूल जाएगा, ठीक है, मेंसेस बंद हो रहा है उसके साथ पेट फूल जा रहा है, ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमेन एक्सट्रीमिटीज, पानी जमा हो जा रहा है, ठीक है, कहाँ पे, पैर में जमा हो जा रहा है, पैर फूल जा रहा है, पेट फूल जा रहा है, पानी जमा के कारण मेंसेस जो है बंद हो गया है फीमेल में, यंग गर्ल्स में, यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है मेट्रोरेजिया, ठीक है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है, जो ब्लीडिंग नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है, ठीक है, हद से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, कंटिन्यूड और पैरोक्सिज्मल फ्लो लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है, या फिर एक पैरोक्सिज्म में आ रहा है, एक शेड्यूल टाइम पे आ रहा है, ठीक है, अभी 7 बजे हुआ तो कुछ देर बाद वो 3 घंटा बाद होगा, फिर से 3 घंटा बाद होगा, ऐसे ऐसे पैरोक्सिज्म में आ रहा है, लगातार एक ही समय का इंटरवल पे आ रहा है, तीन घंटा बाद या फिर 2 घंटा बाद ऐसे करके पैरोक्सिज्म में आ रहा है, लगातार आ रहा है, फ्लूइड और फिर क्लॉटेड, ठीक है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो रहा है वो या तो फ्लूइड हो रहा है या फिर वो क्लॉट के फॉर्म में आ रहा है, थक्का बन जा रहा है, खून का थक्का बन के आ रहा है, ठीक है। नौसिया, वोमिटिंग, पैल्पिटेशन, मतलब उल्टी भी हो रहा है, दिल का धड़कन तेज हो जा रहा है, फिर उल्टी जैसा भी लग रहा है, पल्स क्विक, फीबल वेन मूड, पल्स जो है एकदम तर, बहुत स्पीड पल्स हो रहा है, क्विक हो रहा है, फीबल मतलब उसको फील नहीं कर पा रहे है, तब भी वो बहुत ज़्यादा क्विक हो रहा है, लगातार हो रहा है, फील नहीं कर पा रहे, फीबल है, ठीक है, वो कम मतलब पल्स का फीलिंग कम हो गया है, लेकिन वो बहुत जगह लगातार हो रहा है, व्हेन मूव्ड, वो जब चल रहा है, मतलब पेशेंट जो है चल रहा है तब उसको ऐसा फील हो रहा है। वाइटल डिप्रेशन, जो उसका अंदर का वाइटल फोर्स है, जो उसका अंदर का पावर है, ठीक है, वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग के चलते, मेट्रोरेजिया के चलते वो डिप्रेस हो गया, कम हो गया, उसके अंदर क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। फेंटिंग, इसके कारण क्या हो गया, उसके अंदर क्षमता नहीं है तो उसको चक्कर आने लगा, फेंट करेगा, व्हेन रेजिंग हेड फ्रॉम पिल्लो, जैसे ही सो के उठ रहा है और अपने पिल्लो से वो हेड हटा रहा है, वैसे ही उसको फेंटनेस आ जाएगा, चक्कर आने लगेगा, उसका वाइटल फोर्स डिप्रेस्ड हो गया इसके चलते। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते तो कफ, उसको कफ होगा, कैसा होगा, शॉर्ट, एकदम कम समय के लिए होगा, ड्राई होगा, और डीप एंड लूज, या फिर उसका कफ जो है वो लूज कफ होगा, मतलब उसमें बलगम होगा, ठीक है, बलगम म्यूकस होगा उसमें, ठीक है, ड्राई हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, कब हो रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय में या तो ड्राई कफ होगा या तो उसका बहुत ज़ोर से कफ होगा जिसके अंदर बलगम होगा, ठीक है, कम देर के लिए होगा, बहुत देर तक खांसते नहीं, कम देर के लिए होगा प्रेगनेंसी में। कोनियम भी एक मेडिसिन है। अब आते हैं रिलेशंस पे, तो सिमिलर टू एसिटिक एसिड एपिस नो थ्रस्ट, तो एसिटिक एसिड के ही सिमिलर है, मतलब एसिटिक एसिड में भी पानी जमा हो जाता है, लेकिन उसको भी थ्रस्ट रहता है, एपोसाइनियम को भी थ्रस्ट लगता है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है ड्रॉपसी विथ थ्रस्ट, और एपिस में भी ड्रॉपसी होता है, एपिस में भी वाटर का स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है, वाटर का रिटेंशन होता है, बट उसमें प्यास नहीं लगता, बिना प्यास लगे ही उसका पानी जमा होने लगता है, एपोसाइनियम और एसिटिक एसिड में उसको प्यास लगता है और तब उसका यूरिन नहीं निकलता है, पसीना नहीं निकलता, उसके कारण जमा हो जाता है, ठीक है। एपिस विद होता है आर्सेनिक, चाइना एंड डिजिटलिस इन ड्रॉप्सिकल एफेक्शन, तो आर्सेनिक, चाइना और डिजिटलिस के भी सिमिलर है ड्रॉप्सी में, मतलब पानी जमा होने में ये सारे मेडिसिन काम करते हैं, एसिटिक एसिड, एपिस, आर्सेनिक, चाइना, डिजिटलिस, डिजिटलिस भी ड्रॉप्सी के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। नेक्स्ट पॉइंट जो रिलेशन में, ब्लाटा ओरिएंटलिस हैज क्योर्ड बैड केसेस ऑफ जनरल ड्रॉप्सी आफ्टर एपिस एपोसाइन डिजिटलिस फेल्ड, ये हाइनेस ने बोला है, ये कोई साइंटिस्ट मतलब ये कोई किसी पर्सन ने बोला हाइनेस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है एमडी प्रिपरेशन या कहीं पे भी ये लाइन दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई पर्सन ने बोला है, ठीक है, होम्योपैथिक से रिलेटेड कोई पर्सन ने बोला है। ब्लाटा ओरिएंटलिस क्या होता है, ये मोस्टली हम लोग जानते हैं कि अस्थमा में काम आता है अच्छा खासा,
तो ब्लाटा ओरिएंटलिस हैज क्योर्ड बैड केस ऑफ जनरल ड्रॉपसी। ब्लाटा ओरिएंटलिस ड्रॉपसी में भी काम करता है, जहाँ वाटर का स्वेलिंग हो गया है, जहाँ वाटर का रिटेंशन हो गया है, उसमें भी बहुत काम करता है। ठीक है, कब? जब एपिस एपोसाइनम डिजिटलिस जो है वो काम नहीं करता, उसको दे दिए हैं ये तीनों मेडिसिन बट काम नहीं किया, तो ब्लाटा ओरिएंटलिस काम करता है। कौन बोला? हाइनस। तो हो फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा एपोसाइनम मेडिसिन, हर एक लाइन को क्लियर कर दिया लगभग। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखे, दोबारा से चेक करे और बुक लेके बैठे, एकदम समझ में आ गया। बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट ड्रग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।